कतर के दौरे पर गया सत बादशाह सलामत ने तोहफा दिता से उन्हें डब्बा जहाँ मैंने फड़ाया मैं आके खोलिया तो बिचों यह निकलिया कमेला मैं तेन कई बार क्या इन्हें तोशाखाना च जमा करा दे इसके साथ तो बहुत ही प्यार है, पता नहीं ऐसा क्या किया है। बेजरर है भी पूरे सेगमेंट च ना इन्हें परफॉर्मेंस देनी ना कोई गल करनी, थोड़े दिन मैं प्यार भी ना करा। देखो जे मेरी वालदा जो मरी है लेट हो गई सी अम्मी जी वो जो तो मरी है तो मियां बीवी दोवे आए ने थे। हाँ, आए वो जो हैरी है ओदा कम सी भी इत्थे जनाजे दे कोल आके खलोंदा परे वड्डे गेट कोल खलो के कल्ला सिगरट पींदा रहे। वो जी मेगन है वह फिकी एक्टर मैं तुम दसा जी दो हफ्ते फिल्म नहीं कढ़ दी वह कहती मैं तेरे पुत्र ने सारी जिंदगी कढ़ांगी। इतने मेरी मां के जनाजे से आकर रोई है दिलों नहीं रोई इंज करके उन्हें पहले ग्रैसलीन जी लाई है फिर अथरू जे सुटे मेगन की दादी सासी इतने जनाजे के कोल खलो के बहन पाती मैं जनाजा नहीं जान देना मैं दादी के नाल ही जाना। आजकल के बच्चे हैं किंग इतना नहीं रोते वो। एक दो बारी कहंदी शायद मेरा दिल नरम पैंदा मैं तो को 5 घंटे अम्मी दे कोल बैठा रहा अफसोस में नहीं कि फिर उठ के ना बैठ जाना। डायना आपकी जिंदगी में थी और आप उस पे चीट करते रहे कितनी बुरी बात है ना आपको जरा ख्याल नहीं आया उसकी मोहब्बत का। नहीं भी ना ये गलत है डायना दी बेवफाइयां तो बात फिर मैंने अपना पहला इश्क याद आया। हां इतने मासूम ना बने आपने बहुत इश्क किए हैं। वे मैं की सुन रही हूं ये सुनन तो पहला बकिंग के पैलेस टूट क्यों नहीं गया। मैं तेरी खातिर की कुछ नहीं कीता चार्ल्स, मैं तेरी खातिर की कुछ नहीं कीता, मैं की पेस बटाया चार्ल्स तेरे मिलने लिए, मैं तेरा फिटे मुंह, मैं अपने घर दे छड़े, मैं रोटी कपड़ा छड़िया, मैं सब कुछ छड़िया, ते तू क्यों जी हरकत कर लग गया, तू किसे होर ना प्यार कर से। एक मिनट में दसो सी। हां जी एक काम लाई है मैं किसी बड़ी उम्र के कसाई ने ब्याह कीता। ये मुझे आप बताएं कि कौन सी ऐसी चीज थी जो डायना में नहीं थी और कैमिला में आपको मिली, क्या है इसमें? ये जो तुम्हारी जेलेसी फूट फूट के बाहर आ रही है ना ये मैं देख रही हूँ भी ना। वैसे ना दो में से एक फर्क है कि ये मैंने लड़ पे थे महल तो बाहर नहीं जाती वो जो तो लड़ दी सी फिर कितने कितने दिन महल तो बाहर निकल जाती सी। देखा मैंने कोई दस दिन पैरिस फिरन डी है कोई कहना कल असी बेल्जियम वेखी है कोई कहो इतने टावर को खड़ोती छली खान डी सी तो जो मेरी अम्मी पता लगता फिर अम्मी मैंने पिस्त करती सी मैं तू टिला मैं चालस तू टिला ए तेरा बुढ़ी तो जोर नहीं चलता चुडुआ तू थले लगा डायना दे थले लगा। वीना yes? मेरा आपसे एक सवाल है क्या आज के इस दौर में 2023 में क्या इस पैलेस की कोई वैल्यू है? अरे मैं सदके जावा कालियां फिल्मा चे जे कुड़ियां दी सी वे बाबला दरवाजा बंद कर दे तेरी धी दी डोली नहीं होवानी नहीं होवानी नहीं होवानी। बस कर तो फराज राज तुमने मेरी मोहब्बत का इकरार ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ओके लेट मी आंसर हर क्वेश्चन। नहीं ये भी बकिंग पैलेस की हसीयत पूछनी भी है कि नहीं है यो जी माड़ियां माड़ियां कुड़ियां शहजादे तोड़ के ले जांदियां ने हैरी। वेल एक्चुअली ये डायनेस्टी का सिंबल है और मौजूदा दौर में तो आपको पता है कि बरतानिया में जमहूरियत है सो इसकी कोई खास अहमियत नहीं है लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस तरह से इन्होंने ये मेंटेन किया हुआ है सारा सिस्टम That's quite incredible. यानी कि जब तो मैं बनिया तो हमीयत खत्म होगी। ये ना कमरा वैसे नहीं करना ना मेरी बहुत देर ना कहे। पूरी दुनिया में तो आप लोग बादशाह के खिलाफ हैं और इधर बादशाही सिस्टम अभी तक चल रहा है। उसी कल्ला कल्ला करके मुल्क छड़ी भी दे गया ना मेरी अम्मी ने कितने मुल्क आजाद किए थे ने असी आजाद हो चुके हैं उतर वेखो महल च असी चार जने हैं पांचवा दिन कोई आया नहीं जी हुण तक तो एक बंदा कोई वादू नहीं आया। मेगन और हैरी आने वाले हैं मैंने उन्हें बुलाया है यहाँ। बेला हल्का डांस हो जाए। तुम इतना डांस क्यों करते हो? ताकि शास्त्र में मेरे को हाथ पैर सुताते नहीं। अच्छा 60s में शाही खानदान को मुस्बत लाइट में दिखाने के लिए एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था रॉयल फैमिली। उस फिल्म में दिखाया जाता है कि किस तरह से शाही खानदान क्रिसमस ट्री सजाता है, बच्चों को सैर पर लेकर जाता है, बारबेक्यू करता है। तो इस फिल्म का फायदा ये हुआ था कि इस फिल्म ने एक्चुअली बहुत अच्छा किरदार अदा किया था उस शोहरत को बहाल करने के लिए जो शाही खानदान की खो गई थी। सो दिस वॉज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। Guards. जी ए योहाइनेस
आज का हमारा प्लानर क्या है? आज सबसे पहले बादशाह सलामत ने ग्लास को पाना सीटा ने खोखे का इफ्तिताह करना है। उसके बाद इन्होंने मैनचेस्टर आना है, उसे चिप्स की दुकान का फीता कटना है। उसके बाद इन्होंने बर्मिंघम जाके एक जनरेटर नु किक मार के स्टार्ट करना है। तो मेरी मसरूफियत लख लन तुहाडे याद रख। आखिर में इन्होंने एक शाही बतख के बच्चे को गुड़ती देनी है। बतख में फेस नहीं कर पाता जी। क्यों? वो देख के मैं रोन लग पैदा ने। पाँच पाँच मलका कितने वो पाँच पाँच मलका कितने ये तो मलका है जी, खाना खावा के मैं हाथ बन के खलो गया। मैं बड़ी मुश्किल ना गई फिर क्यों सदन में। हेलो एवरीबॉडी, अगर आपने टीवी के ऊपर हमारा शो मस्तियाँ मिस कर दिया है तो यू स्टिल हैव अ चांस। आप जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन का बटन ताकि जो लेटेस्ट एपिसोड्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। सो गो देयर एंड एंजॉय मस्तियाँ।